हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्या आर्यन फैमिली ब्लॉग। और फ्रेंड्स, कई दिनों से ब्लॉग हमारा बन नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ काम। तो आज से कोशिश करेंगे कि हम लोग रेगुलर रहें। और आज क्या क्या हम करते हैं आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं चलते चलते आ गया ये रेलवे क्रॉसिंग के पास, जो काजीपुरा के साइड है। और अब मैं चलता हूँ डी कॉट। सुन रहा हूँ वहाँ पे ऑफ़र बहुत अच्छे हैं, तो चलता हूँ और आप लोगों के भी साथ में लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑफ़र है और क्या है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, जो डी कॉट है वो है एक कपड़े की दुकान। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ डीकॉट में और चलते हैं। यहाँ पे ऑफर चल रहा है बाई टू गेट सिक्स। तो फ्रेंड्स, एक शर्ट ट्राई किया ये, और भी करता हूँ आप लोग को दिखाऊंगा। मुझे लगता है ये ब्लू वाले से ज्यादा अच्छा है। देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है, देखते हैं। जैकेट तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ डी कॉट पे और मैं कुछ शॉपिंग कर चुका हूँ। और आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ पे अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। और भी जानकारी के लिए आइए, मिलते हैं भैया से और भी जानकारी लेते हैं कि क्या ऑफ़र चल रहा है, किस कपड़ों पे, किस जीन्स पे, हुडीज़ पे, जो भी ऑफ़र हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ भैया के ज़रिए। तो भैया, आप बताओ कि यहाँ पे क्या क्या, तो प्रेजेंट में अभी क्या क्या ऑफ़र चल रहा है तेरे भैया? जीन्स पे है, शर्ट पे है, ट्राउजर पे है, बाय टू गेट सिक्स चल रहा है और थ्री पे 60% ऑफ है। तो जो शर्ट और बाकी सब चल रहा है बाई गेट टू कुछ ऐसा फ्री है ना? बाई टू गेट सिक्स फ्री जी। तो अगर दो परचेज करते हैं और छह परचेज करते हैं तो उसमें दो का बिलिंग होगा, चार फ्री होगी। ओके, तो ऐसा है कुछ यहाँ पे। और ये रहा, और भी ऑफर्स और जानकारी होंगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ। क्रॉसिंग की तरफ आई है और क्रॉसिंग ना लगे, हर बार क्रॉसिंग लग ही जाता है। 15 से 20 मिनट टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता है। अभी एक ट्रेन जा रही है, एक का नंबर लगा हुआ है। मैं आ गया हूँ ये विशाल मेगा मार्ट में और मुझे कुछ खरीदारी करनी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने विशाल से शॉपिंग कर लिया, अब मैं चलूंगा घर। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने गांव विशाल मेगा मार्ट से शॉपिंग करके, और उसके बाद कुछ काम था तो गांव आ गया। और ये देखिए, ये मेरा खेत जिसमें आज सरसों बोया गया है,
और उसके बाद मैं चलता हूँ अपने घर, वो भी दिखाऊंगा मेरा घर गांव का। और फ्रेंड्स मैं बताना चाह रहा हूँ कल का डी कॉट का जो शॉपिंग है भाई, आजकल तो बहुत अच्छी प्राइस और बहुत अच्छा छूट मिल रहा है। आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ पे शॉपिंग करिए और देखिए, और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो मैं अपने गांव आया हूँ, आप लोगों को और भी कुछ जो भी इंटरेस्टिंग होगा मेरे साथ या जो भी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और गांव की फ्रेंड्स देखा जाए तो बात ही अलग होती है। और सबसे अच्छा देखिए पूरी चारों तरफ खेत, और खेत के बीच में ये है काली माँ का मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है। पूरा दूर दूर तक खेत, घर तो दिखेगा ही नहीं। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ की शुद्ध वातावरण और ऑक्सीजन, तो भाई प्योरिटी का जवाब नहीं। कुछ नहीं, दोनों तरफ खेत है फ्रेंड्स। और फिर मैं अपना घर दिखाता हूँ गांव का, चलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं गांव से घर के बलिया के तरफ निकल गया और अब मैं पहुंच गया हूँ गढ़वार रोड। और दोनों तरफ देखिए तो फ्रेंड अंधेरा है। फ्रेंड्स मैं गांव से चल के गढ़वार रोड से अब आगे आ चुका हूं और मैं आ गया हूं अलावलपुर में। और यहां पे सोच रहा हूं कुछ चाय पिया जाए और चाय पीने के बाद फिर घर निकलेंगे। अब तो धीरे थोड़ी थोड़ी ठंडी भी तेज होती जा रही है और फॉग भी गिर रहा है और आगे का रास्ता थोड़ा देखने में कठिनाई आ रही है। ज़्यादा लंबा बाइक चला के थकान हो जाती है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है छोटा सा। और रास्ता आप देखेंगे कि आगे की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आगे की तरफ पूरा खेत है दोनों तरफ। चलिए चाट खाते हैं, चाय पीते हैं। तो फ्रेंड्स ठंडी में चाय और चाट का मज़ा, और देखा जाए तो पूरा फॉग फॉग है और बैठ के यहाँ पे और भी मज़ा आ रहा है। दिखाता हूँ मैं आपका चाट मैं कैसा चाट खा रहा हूँ। तो ये रहा मेरा मटर चाट जिसमें ये अलग से नमकीन पड़ी हुई है और धनिया की चटनी भी है। ज़बरदस्त चाट है। अलावलपुर में भी एक ज्योति स्वीट्स है वहीं पे, और ये ऐसा बनता है। टिक्की भी बन के रखा हुआ है और आप देखिए पूरा खाली खाली और मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब मिलते हैं चाट खाने के बाद और फिर अब यहाँ से सीधे मैं बलिया घर पे चला जाऊँगा। अब चाट खा के हो गया, अब निकलते हैं बलिया के लिए। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं पूरा अंधेरा, और अब मैं निकल रहा हूं बलिया के लिए। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं गांव से अपने आ गया, ज़्यादातर शूट नहीं कर पाया कि कुछ काम से गया था और वहाँ पे अपना घर का भी नहीं दिखा पाया, अच्छे से खेत वगैरह भी नहीं बता पाया। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जब भी गांव जाऊँगा तो अच्छे से शूटिंग करूँगा, मेरा अपना घर, मेरा गांव का घर कैसा दिखता है ये सब आप लोगों को दिखाऊँगा, और मेरा खेत कैसा है क्या है वो सब भी आपको दिखाऊँगा। और इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग लेना चाहूँगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट भी करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।